हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी इस सीरीज़ में जहां हम पीपीएससी 66 और 67 मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उस सीरीज़ का हमारा आज चौथा क्वेश्चन होगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है पहले तीन क्वेश्चंस जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इंडियन पॉलिटी का यानी पेपर टू का पहला सेक्शन है और इसका आज आखिरी क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, ई शासन से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा पार्ट है कि डिस्कस द पोजीशन ऑफ ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन इन बिहार, यानी ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैंने हेडिंग्स दे रखा है और आप देख सकते हैं ये सारी स्कीम्स हैं बिहार के लिए, और इन सारे मुद्दों पे हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे और आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे, आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आंसर का फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो जो पहला पार्ट है ना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, आप सबसे पहले इसको करेंगे। इसमें मेरे अनुसार आपको चार चीज लिखनी चाहिए, मीनिंग, रोल्स, फोर पिलर्स एंड फोर मॉडल्स। मीनिंग में आप बताएंगे कि ई गवर्नेंस होता क्या है। तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि जब आप ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, किस काम के लिए, कि ताकि सर्विसेज को किस डिलीवर किया जा सके या सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके किनके किनके बीच। तो मान लीजिए कस्टमर है, बिजनेस है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज हैं, तो इनके बीच ये कार्य होते हैं, इसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। दूसरा हमारा आता है कि इसी में इंट्रो में ही लिखेंगे कि ई गवर्नेंस करता क्या है, तो ये काम को ना आसान कर देता है, कन्वीनियंट, दूसरा कि तेज कर देता है, स्पीडी, ट्रांसपेरेंसी लाता है और अकाउंटेबिलिटी लाता है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि पारदर्शिता, यानी कार्य में पारदर्शिता, ओपननेस। ई गवर्नेंस के ना बस मेंशन कर देंगे कि आप चार पिलर्स होते हैं, एक तो लोग होते हैं इसके पार्टिसिपेंट होते हैं, दूसरा प्रोसेस होता है किस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, तीसरा होता है तकनीक, टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और चौथा रिसोर्स, किस तरह के संसाधन का प्रयोग हो रहा है। और इसमें आप मेंशन करेंगे चार मॉडल्स की भी, ये चार मॉडल्स जस्ट मेंशन कर देंगे। जैसे कि इन चार मॉडल्स को हम लोग चर्चा करें तो एक होता है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार जैसे कि आपको सुविधा दे रही है कि आप ऑनलाइन कोई कंप्लेन फाइल कर दीजिए या रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। दूसरा होता है G2G यानी गवर्नमेंट के अपने आपस के डिपार्टमेंट में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो कम्युनिकेशन होता है। तीसरा होता है G2B यानी गवर्नमेंट का बिजनेस से जो कनेक्शन है, यानी मान लीजिए कि टैक्स का कलेक्शन है या पेटेंट को अप्रूव करना है, पेटेंट को रिजेक्ट करना है, उसके लिए है। और जो चौथा होता है ना हमारा, वो G2E यानी एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट, ये एक दूसरे को कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे पे कैसे चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं। देखिए, हमारा पहला पार्ट जो है वो पहला पार्ट या इंट्रो कह सकते हैं उसको, आप चाहें तो इसको दो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। उसके बाद मेन जो फोकस होना चाहिए ना वो इस पर होना चाहिए कि आप चाहें तो और भी बेनिफिट्स लिख सकते हैं कि गवर्नेंस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन वो सारा इसमें डिस्कशन के दौरान आपका आ जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। काफ़ी मैंने कई सोर्सेस से इसको लेकर के और यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझते जाएं। पहला है ना कि बिहार के सेंस में कि अवार्ड्स, यानी बिहार को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में 8 अवार्ड्स मिल चुके हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दें तो 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है उसने गोल्ड मेडल प्रदान किया था। इसका एक कॉल सेंटर है जानकारी। यहाँ पे क्या होता है कि RTI का आप कंप्लेंट डाल सकते हैं और RTI का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, आप इसको मेंशन कर देंगे। दूसरा इंप्लीमेंटेशन इनिशिएटिव है सेंटर फॉर ई गवर्नेंस। बिहार सरकार ने 2005-06 में इसको इस्टेब्लिश किया था इस फाइनेंशियल ईयर में। किस चीज़ के लिए, ताकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, और इंटरनल अगर IT सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसके लिए। तीसरा है हमारा कि स्टेट डेटा सेंटर, मतलब स्टेट लेवल पे एक डेटा सेंटर बनाया गया है ताकि एक मेटा डेटा का कलेक्शन हो और उस डेटा का प्रोसेसिंग करके यूज किया जा सके। इसी तरह से कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट है, वाईफाई प्रोजेक्ट्स है, ठीक है।
अगला है हमारा, एक आईटी सिटी राजगीर में खोला गया है, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और आईटी टावर एक लगाया गया है पटना में, पटना में एक आईटी पार्क की भी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है दरभंगा, भागलपुर और पटना में। इतना मेंशन करते जाएंगे, ये आपको रटना होगा क्योंकि तभी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है कि CCTN, ये जो प्रोजेक्ट है इसको बिहार सरकार भी इम्प्लीमेंट कर रही है। आपको पता होगा कि पुलिस का कार्य आसान करने के लिए, ताकि एक मेटा डेटा कलेक्ट किया जा सके और उसमें पुलिस जो है वो अपराधी को ट्रैक कर सकें। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी हो, ई प्रिजन, CCTV लगाया जा रहा है वाइस चांसलर के माध्यम से, ई कोर्ट, इस तरह के ई ऑफिस, इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। इन सारे को ना हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। एक है CFMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसको ना अभी आपको याद होगा, ये 2019 में बिहार सरकार लाई है और ये क्वेश्चन 66 BPSC के प्रीलिम्स में पूछा भी गया था कि इसका पर्पस क्या था, ठीक है। तो एक मेटा डेटा इसमें भी अगेन कलेक्ट किया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव, नाम से क्लियर है, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाएगा। तो सारे डेटा होंगे और वहाँ से एनालिसिस होगा और फिर उस डेटा का ये लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। बहुत अगला है ना कि बहुत ई लाभार्थी यानी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर, ये लोग ना एक ई लाभार्थी जो प्रोग्राम है इसको यूज कर रहे हैं। फॉर व्हाट? जैसे कि सोशल सिक्योरिटी का पेंशन देना हो, डिसेबिलिटी का अलाउंस देना हो, जैसे मान लो स्कॉलरशिप देना हो, तो इस पोर्टल का यूज करके और वो लोग ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। बिहार सरकार ने आईटी मॉड्यूल बनाया है ताकि जो भी फूड सप्लाई चेन है उसको स्मूथ ढंग से बिना किसी लीकेज के और GPS और SMS अलर्ट के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सके। और एक और आईटी मॉड्यूल इसी की तरह बनाया गया है, तो उसका ये लक्ष्य है ना कि अगर कोई ग्रीवांस है किसी बेनिफिशियरी का यानी कोई कंप्लेंट है तो उसका निवारण हो सके, रिड्रेसल हो सके, ठीक है। प्रोक्योरमेंट के लिए ना बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए हैं, जैसे कि पैडी का प्रोक्योरमेंट हो रहा है और उसमें किसान को डायरेक्टली जो है वो पेमेंट कर दिया जाता है विद इन 48 आवर्स। अगला है डिजास्टर के क्षेत्र में भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल यानी कि बाढ़ आए उसके लिए एक मॉडलिंग तैयार की जा रही है, रिवर बिहेवियर एनालिसिस मॉडल, नदियाँ कैसे बिहेव करती हैं इसको ICT का यूज करके बताया जा रहा है, मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया गया है। आपको पता है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज हो रहा है इस कोरोना काल में कि जो हमारा वेव है वो कैसे फ्लैटन करेगा कोरोना वायरस का, तो इस तरह से जो केसेस हैं। फिर अगला कि लैंड रिकॉर्ड्स, तो लैंड रिकॉर्ड्स का ना ऑनलाइन माध्यम से डिजिटाइजेशन किया जा रहा है कि जो पहले आपको पता है कि पेपर पे सारे रिकॉर्ड्स थे तो बहुत उसमें रिस्क होता है खोने का या ख़राब हो जाने का, और उनको अपडेशन भी आसान हो रहा है अब ऑनलाइन माध्यम से। फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट का ना मैनेजमेंट किया जा रहा है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑनलाइन तैयार कर दी गई है, तो इससे क्लाइमेट चेंज में बेनिफिट मिलेगा। एक और यहाँ पे है कि बिहार पहला स्टेट है जिसने इस एक्ट को पारित किया है, यानी PGRA का मतलब होता है पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट। ये 2016 में एक्ट था, इसमें फिक्स टाइम लिमिट के अंतर्गत जो भी बिहार के मतलब वासी हैं उनके ग्रीवांसेस को सॉल्व किया जाएगा। अगला है ई कमांड, इसमें जो जिला प्रशासन है ये होम गार्ड के जो जवान्स होते हैं उनकी ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। जैसे आपको पता है बहुत सारे इसमें करप्शन के चांसेस होते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता है, तो लोग जो है अपना अप्रोच लगाते हैं कि हमें इस जगह पे ड्यूटी दे दीजिए, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिकली किया गया है। एक बिहार स्पैरो, यहाँ ये कैपिटल में होगा स्पैरो, ठीक है, क्योंकि इस सारे वर्ड्स का मीनिंग है, बस इसको आप याद नहीं रखेंगे, सिर्फ इतना जानेंगे कि ये एक परफॉर्मेंस अप्रोजल को रिकॉर्ड करेगा ऑनलाइन जितने भी बिहार के ऑफिसर्स हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अधिकारी क्लास 1 है, क्लास 2 है, तो वो लोग कैसा काम किए हैं उसका यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। फिर अगला हमारा इनिशिएटिव है ई म्यूनिसिपल्टी, यहाँ पे सिटीजन्स को ट्रांसपेरेंट मैनर में और टाइम बाउंड मैनर में सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया है। उसके बाद है ई ऑफिस,
ये इंटर गवर्नमेंट एंड इंट्रा गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। अगला है ह्यूमन राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS। इसमें क्या किया जाता है कि सारे रिकॉर्ड्स को रखे जाते हैं, सर्विस के एग्रीमेंट्स हैं या फिर जो भी पेमेंट बेनिफिट्स हैं उन सारों का ये कलेक्शन होता है। अगेन हम देखते हैं ई निवास पोर्टल। इसमें जो भी गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं ना, तो उसके एलोकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रोल रोल का, जैसे आप अगर नए वोटर बन रहे हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट ऑनलाइन कर दिया गया है। आपका बिल डिटेल कितना है, आप पे कितना बकाया है, क्या आपको नया कनेक्शन चाहिए या आपको ग्रीवांस रिड्रेशल कराना है, तो ये सारा यहाँ से हो जाएगा। ई गजट जो है ना, ये PDF फॉर्मेट में आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोडेबल होता है और इसके माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। सेम यही काम बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट करता है। जैसे मान लीजिए प्रेस रिलीज करना है, गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट देनी है या फिर कैबिनेट की डिसीजंस को देना हो। इसी तरह से एक वेबसाइट डायरेक्टरी बनाई गई है। जैसे आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट डायरेक्टरी होता है, तो उसी तरह से स्कूल्स का, कॉलेज का, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशियरी का, इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि गवर्नमेंट टेंडर, ये भी ऑनलाइन किया जा रहा है। आपको मेल आ जाएगा सीधे कि टेंडर नोटिस हो गया है। और हर जिले में ना डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटीज बनाई गई हैं। ये इसके हेड DM होते हैं और ये जितनी भी जिले में ई गवर्नेंस की कार्यक्रम चल रहे होंगे उनको ये लागू करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। और सर्विस प्लस, आपको पता होगा कि सर्विस प्लस पोर्टल से सर्विस डिलीवरी के लिए बनाया गया। और आपका कोई ग्रीवांस है तो उसके मैनेजमेंट के लिए, जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू कराना है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू कराना है, तो यहाँ से होता है। फिर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2020, ये केंद्र सरकार ने बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है उसको दिया है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन मॉडल है ना उसको इसने अप्लाई किया है। कहने का अर्थ है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है, आपको पता होगा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज होती हैं, तो वहाँ पे उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप यहाँ इतना याद रखेंगे, सी बहुत सारे चैलेंजेस को मेंशन करना होगा आपको, जैसे कि डिजिटल डिवाइड, मतलब इनकी क्या क्या चैलेंजेस है ई गवर्नेंस की। तो एक तो सारे लोगों के पास तो मोबाइल फोन्स है नहीं, सारे लोगों के पास नेट का कनेक्टिविटी नहीं है, नेट की कनेक्टिविटी तेज नहीं आती है। दूसरा है कि कॉस्ट, क्या लोगों के पास उतना इनकम है कि मतलब अफोर्ड कर सकें। और दूसरी कॉस्ट से ये भी रिलेशन है कि जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना बिहार सरकार की, इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इनके ऑपरेशन में बहुत ही हाई खर्चा आता है। तीसरा है हमारा प्राइवेसी का इशू, कि लोगों की जो पर्सनल डेटा है उनका कितना प्रोटेक्शन हो पाएगा, ये क्वेश्चनेबल है। चौथा है कि लोकल लैंग्वेज में मटेरियल का अवेलेबल ना होना। पांचवा इनर्सिया है, पेपर पे जो काम हो रहा था लोग अभी भी चाह रहे हैं ऑफिस में कि पेपर पे हो, वेब सर्विसेज को मतलब शिफ्ट करने में समय लग रहा है। और ये NESDA है, इसका मतलब है कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी इंडेक्स असेसमेंट, ये 2019 में कंडक्ट कराई गई थी। और इसमें ये कहा गया कि बिहार की इसमें रैंकिंग ही नहीं की गई, क्योंकि बिहार ने एडिक्वेट डेटा ही नहीं प्रोवाइड किया ताकि उसका असेसमेंट हो सके। ठीक है, अब आगे का रास्ता फिर आप थोड़ा बताएंगे, तो अगर आपको प्रॉब्लम मालूम है ना तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन गिना देंगे, मतलब इसी को क्या क्या किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि डिजिटल डिवाइड है तो डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जाए, कम किया जाए, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, प्राइवेसी इशू को खत्म किया जाए कि प्राइवेसी का इशू ना रहे, डेटा प्रोटेक्शन का बिल लाया जाए, मतलब इस तरह से केंद्र सरकार कर सकती है। BN श्री कृष्णा कमेटी को आप मेंशन कर सकते हैं। फिर लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं तो लोकल लैंग्वेज में लाए जाएं, लोगों को यहाँ प्रमोट किए जाएं। ठीक है, कुछ और हो सकते हैं जैसे ई लिटरेसी का कार्यक्रम चलाया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम है, इसका पार्ट 1 और 2.0 भी है, दोनों को इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों तक एक्सेसिबिलिटी प्रदान की जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को लिख सकते हैं। सी हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली इस टॉपिक को डिस्कस किया है और हमारा पहला सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। पीछे के भी 3 वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।